ここにはカブソマニサクマニタララニここにはカ जब मैं छोटी थी तो माँ ने मेरी सोने के लिए चटाई बुन के दी। कहा कि अगर कोई बुरा सपना देखूं तो करवट लेकर चटाई की उभरी छोर को महसूस करूं। वो छोर एक धारा है जो मुझे घर ले आएगी, पर अगर घर ही एक बुरा सपना हो तो? हमारे टीचर्स ने बताया कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम है बोगनविल, जो कि पैसिफिक आइलैंड्स का हिस्सा है, जिसका मालिक पापुआ न्यू गिनी देश है। पर माँ का कहना था कि हमारा द्वीप एक औरत है और हम उस औरत के दिल में रहते हैं। कहती थी कोई उसका मालिक नहीं हो सकता, पर पापुआ न्यू गिनी ने हमारे दिल को एक खदान कंपनी को बेच दिया। मेरे पिताजी उस खदान में काम करते थे, पर जब मुसीबत शुरू हुई तो वो काम ढूंढने ऑस्ट्रेलिया चले गए। इसे लेकर माँ और पिताजी की बहुत बहस हुई। हम बाद में जाके पिताजी से मिलने वाले थे। माँ ने कहा हम अगली नाव से निकलेंगे। हर नाव के बाद वो यही कहती थी, और ऊपर, बस और ऊपर नहीं कर सकता। हमारे छोटे से गांव में जंग की खबरें टुकड़ों और अफवाहों में आती थी। हमने सुना कि हमारे कुछ लोगों ने खदान पे जंग छेड़ दी थी और उसे बंद कर दिया था। हमने सुना कि पापुआ न्यू गिनी यहाँ अपनी सेना भेजने वाली है। हमने ये भी सुना कि हमारे द्वीप को ही बंद करने वाले हैं, ताकि ना कोई अंदर आ पाए ना बाहर जा सके। सबसे पहले उन्होंने खदान बंद की, फिर हमारा राशन बंद किया, स्कूल भी बंद किए। सारे गोरे चले गए सिवाय पॉपॉय के। माँ कहती है कि पॉपॉय इसलिए रह गया क्योंकि उसकी पत्नी ग्रेस दोबारा द्वीप नहीं छोड़ना चाहती थी। वहां से कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, और बहुत बड़ा है। हमें लगता था कि पोपाई के लोग उसे भूल गए हैं, या शायद उसे किसी पुराने जुर्म की सजा दी गई है। वजह जो भी हो, ये साफ जाहिर था कि ग्रेस पागल है, पर पोपाई एक पहेली जैसा था। तुम अपना काम करो। सरकार हमें भूखों मारना चाहती है, पर अब्राहम ने कहा है ईश्वर हमें भोजन कराएगा। अब भी हमारे पास वो है जो हमेशा था। हमारे पास मछली है, हमारे सुअर, हमारी मुर्गियां, हमारे फल हैं, और हमारे पास अपना विश्वास है। आमीन आमीन आमीन, आमीन। माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
हम इस घर में इंग्लिश बोलते हैं। क्या आपको पिताजी की याद आती है? ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटी? अब कोई और नाम नहीं आने वाली है ना? ये रोग हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। उससे कोई फर्क पड़ेगा? कभी कभी याद आती है उनकी। कभी कभी मैं समंदर के तट को देखती हूँ, वहां तुम्हारे पिताजी होते हैं, वो मेरी तरफ आ रहे होते हैं। और मेरी तरफ? तुम्हारी तरफ भी। तुम्हारे पिताजी हम दोनों की तरफ आते हैं। उठो। चलो उठो आलसी टट्टू, स्कूल नहीं जाना। आप क्या कह रही हैं? स्कूल तो महीनों से बंद है, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अब है कोई। आने के लिए शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं था तुम आओगे। यकीन नहीं था मैं आऊंगा। देखो सच कहूंगा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, शिक्षक नहीं हूं, पर मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा। तुम बच्चों से यही वादा है मेरा, ठीक है? ठीक है मिस्टर वॉट्स। हाँ मिस्टर वॉट्स। ठीक है पोपाय। मैं जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग मुझे पोपाय कहते हो, और ठीक है, वो मुझे अच्छा भी लगता है। हाँ मिस्टर वॉट्स। ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहां पर रोशनी हो, चाहे जो भी हो जाए। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ाई के लिए जगह बनाएंगे, और मैंने कुछ बैटरी बचा कर रखी है खास ऐसे मौकों के लिए। तो चलो सारी खिड़कियां खोल देते हैं और फिर इन मेजों पर से सारा कचरा उठाकर फेंक देते हैं। मेरे पिता के परिवार का नाम था पेरेप,
और मेरा नाम है फिलिप। लेकिन जब मैं बच्चा था तो अपनी तोतली भाषा में मैं खुद को कहता था पिप, तो मेरा नाम ही पड़ गया पिप और लोग भी मुझे वही बुलाने लगे। हाँ, आप मुझे सवाल पूछिए और सवाल पूछने से पहले अगर अपना नाम बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। डैनियल सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। डैनियल, हम आपको क्या कह के बुलाएं, पापा या मिस्टर वॉच या मिस्टर पिप? वो शब्द मेरे नहीं थे डैनियल, वो शब्द थे मिस्टर डिकन्स के। मेरे ख्याल से शब्दों का हमारी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है और कल मैं आपको मिस्टर डिकन्स से मिलवाऊंगा। ये तो एक गोरे आदमी का नाम है। नहीं मैटिल्डा, तुमने गलत सुना है। पोपाई यहाँ का आखिरी गोरा आदमी है और कोई है ही नहीं। पर मिस्टर वॉट्स ने कहा कि है। एलियोला, तुमने यहाँ किसी मिस्टर डिकेंस नाम के गोरे आदमी के बारे में सुना है? नहीं, लेकिन मैं बहुत से ढक्कन को जरूर जानती हूँ। वो तो हर जगह नजर आते हैं। सुनो मैटिल्डा, अगर तुम्हें ये मिस्टर डिकेंस दिखे तो कहना कि आकर हमारा जनरेटर ठीक कर दे। क्या वो इतने काम कर और उससे पाएगा? कहना वो मेरे यहाँ रह सकता है अगर उसके पास चावल हो तो। एक गोरे पति का क्या करोगी तुम? मिस्टर वॉट्स, मेरी तुम्हारा नाम क्या है? मेबल। मिस्टर वॉट्स, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मेबल। मेरी माँ पूछ रही थी कि मिस्टर डिकन्स के पास मलेरिया की गोलियाँ हैं क्या? मेरी माँ को केरोसिन चाहिए। थोड़ी बियर भी हो तो। मिस्टर डिकन्स है कहाँ? वो यहाँ है। जो वाक्य मैंने कल कहा था वो इसकी पहली लाइन है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसे लिखा था 19वीं सदी के सबसे महान लेखक चार्ल्स डिकेंस ने। जब हम किसी महान लेखक की रचना पढ़ते हैं तो हमारी उस इंसान से जान पहचान होती है, तो तुम कह सकते हो कि तुम चार्ल्स डिकेंस से यहां मिले हो। हालांकि उन्हें जानने में समय लगेगा। हम उन्हें कब जान पाएंगे? इस किताब को पूरा पढ़ने तक तुम में से कुछ लोग उन्हें जान लोगे। इस किताब में 59 चैप्टर हैं और हम हर रोज एक पढ़ेंगे, तो मतलब 6 फरवरी 1990। क्या कहा? हम मिस्टर डिकेंस से 6 फरवरी को मिलेंगे अगले साल। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। मेरा नाम मैटिल्डा है। मैटिल्डा, बहुत प्यारा नाम है। इतना सुंदर नाम तुम्हें कहाँ से मिला? सुरंग में ऑस्ट्रेलियंस ने पिताजी को ये नाम दिया था और उन्होंने मुझे दिया। वैसे ये कह सकते हैं कि मिस्टर डिकन्स को भी पिप का नाम अपने पिताजी से मिला था। हो सकता है और भी बहुत कुछ मिलता हो। अच्छा, तो मिस्टर डिकन्स से कौन मिलना चाहते हैं? मैं अपने पिता के परिवार का नाम पिरिप बताता हूं उनकी कब्र के पत्थर और मेरी बहन मिसेस जो गार्गरी के हवाले से, जिसने एक लोहार से शादी की। क्योंकि मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा और ना ही कभी उनकी तस्वीर देखी, क्योंकि उनके जमाने में फोटो खींचने की तकनीक नहीं आई थी, मेरे दिमाग में उनकी पहली तस्वीरें, पता नहीं सही है या नहीं, उनकी कब्र के पत्थरों से बनी। मेरे पिता की कब्र पर लिखे अक्षरों से मुझे एक अजीब सा अंदाजा हुआ कि वो एक नासमझ, तगड़े घुंघराले बालों वाले गहरे रंग के आदमी थे, और जिस अंदाज में लिखा था इनकी पत्नी जॉर्जियाना, उससे मैंने बचकाने ढंग से ये अनुमान लगाया कि मेरी मां झुर्रियों वाली एक बीमार औरत थी। और हीरों के आकार वाले 5 पत्थर 1.5-1.5 फुट लंबे जो उनकी कब्रों के बगल में सजाए गए थे,
मेरे 5 छोटे भाइयों की याद में समर्पित थे, जो जिंदगी की लड़ाई में कुछ ज्यादा ही जल्दी हार मान गए थे। मैं अपने उस जिद्दी विश्वास का शुक्रगुजार हूं कि वो सभी बहुत आराम प्रस्त रहे, एक आलीशान जिंदगी गुजारी और मरते दम तक मेहनत करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। उसी दौरान मुझे ये पता चला कि बिच्छुओं से भरी ये रूखी सी जमीन चर्च का कब्रिस्तान है। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? मैं अपने भाइयों से मिलने आया हूं। मुझे माफ कर दो, मैं इन्हें कभी नहीं जान पाया। मुझे लगता था ये ऐसे ही पैदा हुए थे, अपने मुंह में चांदी का चम्मच लिए हुए, हमेशा आराम परस्त रहे। मैं उनके बारे में यही सोचना पसंद करता हूं। ए तुम! चुप जाओ, यही रहना। रुको, यहां आओ। नहीं, नहीं, मुझे मारना मत। आवाज नहीं, छोड़ दो मुझे। मत, आवाज नहीं, मुझे मारना मत। मुझे मारना मत। ठीक है, ठीक है, इसे नीचे कर लो। नाम बता अपना। ठीक है, बताता हूँ। नाम बता। मेरा नाम पिप था। पिप। और कुछ? राशन, पुरानी बैटरी में, मेरे पास लेकर आओ। समझ गए? फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। क्यों, क्या ख्याल है? आपका मतलब बैटरी? हाँ, मेरे रेडियो वाली बैटरी नहीं, बैटरी से मेरा मतलब है सिपाहियों की छावनी, जहां बंदूकें रखते हैं। मतलब जहां जाना मना है, जहां सारे बागी हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ। बहुत अच्छे सैम। तो उसने अपनी माँ से गोश्त वाली पाई चुराई? पिप अनाथ है, वो अपनी बहन के साथ रहता है, उसी ने उसे बड़ा किया। ऐसे भाई पर तो अपना हाथ और भी जमकर चलाना चाहिए था उसे। अच्छा तुम क्या करती बेटी? तुमसे अगर जंगल में छुपा कोई आदमी मुझसे कुछ चुराने को कहता तो तुम चुरा लेती? नहीं, पॉपाई को तो चाहिए कि तुम बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाए। आइंदा से मुझे उस किताब में हो रही हर बात की खबर मिलनी चाहिए, समझ रही हो ना मैटिल्डा? हाँ माँ। वो मेरे लिए एक यादगार दिन था, क्योंकि उस दिन मुझ में बहुत बदलाव आया। लेकिन ऐसा तो हर जीवन में होता है। जरा सोचो, उसमें से एक दिन काट दिया जाए तो हर चीज कितनी अलग हो जाती है उसके बाद। इसे पढ़ने वाले जरा ठहरे और एक पल के लिए सोचें। लोहे या सोने या फल या कांटों की उस लंबी जंजीर के बारे में जिसने तुम्हें कभी जकड़ा ना होता अगर उसकी पहली कड़ी ही ना बनी होती और वो यादगार दिन ही ना आया होता।
चलो चलते रहो, उन लोगों को रास्ते से दूर रखो, चलते रहो। कहाँ ले जा रहे हैं उसे? देश से निकाल कर उसे ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। मेरे पिताजी भी ऑस्ट्रेलिया में हैं। उनकी याद आती है? शायद मेरी किस्मत अच्छी है। क्यों? मेरे पिताजी मुझे याद नहीं कि मैं उन्हें मिस करूं। तुम तैयार हो पेप? तुम्हारी बहन हंगामा कर रही है, उससे पहले हमें वापस पहुंच जाना चाहिए। क्या हम फिर मिलेंगे? बढ़िया। कौन है वो? मेरी दोस्त है। उसका कोई नाम तो होगा। मैटिल्डा! यहाँ क्या कर रही हो मैटिल्डा? मिस्टर वॉट्स। हाँ जाने। गोरा होना कैसा लगता है? तुम्हारा मतलब गोरा होना कैसा लगता है कि यहां पर गोरा होना कैसा लगता है? दोनों। कुछ ऐसा जैसा आखिरी प्राचीन हाथी को लगा होगा शायद। सूनापन महसूस होता है। पता नहीं काला होना कैसा लगता है? मामूली। सिर्फ गोरे लोगों के बीच लगता है कि हम काले हैं। हाँ मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। मैटिल्डा, इनका परिचय करवाओ सबसे। ये मेरी माँ है, डिलोरेस। डिलोरेस नाइमो। मिसेस नाइमो, आइए ना। शुक्रिया। मैं जानती हूँ बच्चों कि तुम लोग मिस्टर वॉट से कोई कहानी सुन रहे हो, पर मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कहानियों को काम करना चाहिए। वो आलसी टट्टुओं की तरह यूं ही पड़ी नहीं रह सकती, उन्हें तुम्हें कुछ सिखाना होता है, और इसलिए मैं ये लाई हूँ, तुम्हारी होली बाइबल। जब धर्म के प्रचारक आए थे, उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास करो। जब हमने ईश्वर को देखना चाहा, तो उन्होंने उससे हमारा परिचय नहीं कराया। तो बहुत से लोगों ने तय किया कि केकड़े या फिर सदर्न स्टार के आकार वाली मछली के ज्ञान से जिया जाए। हमें किसी पर तो विश्वास करना है। ईश्वर ने कहा, रोशनी होने दो, और वहां रोशनी आई। दुनिया में कोई भी वाक्य इससे ज्यादा सुंदर नहीं है। हाँ वायलट। मुझे पूछना है केकड़ों का ज्ञान क्या होता है? मिस्टर वॉट्स, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जरूर। अगर मुझे लगे कि मैं पिप को जानती हूँ तो क्या अजीब होगा? मतलब सच में जानती हूँ तो? मेरे ख्याल से मिस्टर डिकन्स के लिए इससे बेहतर तारीफ और कोई नहीं हो सकती। क्या आप भी उसे जानते हैं? मेरा पिप शायद तुम्हारे पिप जैसा तो नहीं है, पर मुझे लगता है मैं जानता हूँ। आज हम शुरुआत ग्रेट एक्सपेक्टेशन से नहीं करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज मेबल की माँ हैं, मिसेस टैंगनोनी। शुक्रिया मिस्टर वॉट्स। आज मैं जो बताने वाली हूँ उससे शायद तुम सब चौंक जाओ। अगर मैं कहूँ कि कुछ बगीचे इस समंदर में पैदा होते हैं तो?
जैसे हार्ट सीड पानी में तैरता है, फिर वो बाहर रेत पे आ जाता है। 7 दिन बाद उसे सूरज और हवा सुखा के भूसे जैसा हल्का कर देते हैं। 3 महीने बाद एक छोटा सा अंकुर फूटता है। उसके सफेद फूल खिलकर समंदर को देखते हैं जहां से वो आए थे। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ बच्चों? क्योंकि उस फूल के केसर का तेज शोला मच्छरों को दूर रखता है। बहुत बढ़िया, मिसेस टांगनोनी ने हार्ट सीड के बारे में बताया। शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है तो क्या मैं अब बैठ सकती हूँ? जी हाँ, जरूर। शुक्रिया। वहाँ पीछे बैठ सकती हूँ। शुक्रिया। तो हम कहाँ थे? टूटे सपनों को पाने की सबसे सही जगह समंदर की गोद में है, जहाँ सारी मरी हुई मछलियाँ होती हैं। अपनी आंखें और मुंह खोले, उन्हें यकीन नहीं होता कि वो समंदर में नहीं हैं और ना ही कभी होंगी। और एक बात, मछलियाँ जन्नत में जाती हैं। और किसी भी बकवास पे यकीन मत करना। खामोशी के बहुत से फायदे होते हैं। चिल्लाने वाले लड़कों की आत्माओं में कीचड़ होता है। उन लड़कों से दूर रहो जो चिल्लाते हैं। उसके अलावा लड़कियों को शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं बता सकती। एक सुअर को मारने के लिए 2 मोटे चाचाओं से उसे नीचे दबोचे रखने को कहो, फिर उसकी छाती पे दे मारो। और ये चाचा कितने मोटे होने चाहिए? काफी मोटे, मोटापा अच्छा होता है। दुबले किसी काम के नहीं होते, पपाय भी किसी काम का नहीं है, है ना? तो सरकारी दफ्तर में हमारी सभा हुई थी, जहां एक मोमबत्ती की बस एक हल्की सी रोशनी थी। शुरुआत हुई जब एक भले आदमी ने मोमबत्ती अपनी ओर खींचकर अपनी जेब से किताब निकालकर उसे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम है जैगर्स। मैं लंदन में एक वकील हूं और ये जोसेफ गॉडरे। हां जनाब, मुझे ये सुझाव मिला है कि आपको आपके इस जवान चेले से आजाद किया जाए। आपको इसकी नियुक्ति को रद्द करने में कोई एतराज तो नहीं? जवाब है नहीं। तो ठीक है, अपनी दी हुई नियुक्ति को वापस लीजिए और उससे दूर जाने की कोशिश मत कीजिए। अरे पर कोशिश कौन करेगा? मैंने तो नहीं कहा कि कोई कोशिश करेगा। हाँ तो इस जवान बंदे के बारे में यही कहना है कि इसकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, यानी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अपने घर से शर्मिंदा होना सबसे दर्दनाक चीज है। मेरे लिए घर की बैठक का मतलब है सबसे सुंदर कमरा, और मुख्य द्वार का मतलब है वो दरवाजा जो एक अलग दुनिया में ले जाए, और संघर्ष है वो सुनहरा रास्ता जो आजादी और संपूर्ण विकास की ओर ले जाए। लेकिन एक ही साल में मेरा सारा विश्वास बदल गया। सब कुछ रूखा और मामूली हो गया। बदलाव मेरे अंदर हुआ था, जो होना था हो गया था। अच्छा या बुरा, माफी के काबिल या नहीं, जो होना था हो गया था।
क्या वहां तुम हो लड़के? तुम थी कहां बेटी? खेल रही थी समंदर किनारे। अब से रात में अकेले मत जाना बाहर। तुम्हारे बेटे को मदद चाहिए। सुनो सुनो, तुम उन्हें नहीं भेज सकते, वो सिर्फ बच्चे हैं, अभी तुम्हारे लड़के अब हमारे नहीं है। ठीक है, नहीं चाहते हम तुम्हारी रक्षा करें तो सिपाहियों से खुद ही निपट लेना। अगर वो तुम्हें यहाँ देखेंगे तो हमारे लिए और बुरा होगा। सेना आएगी तो ऐसा नहीं कहोगे? सैम कहाँ है? ऐसे माहौल में मैं क्या बनता? इस सब का असर मेरे चरित्र पर कैसे नहीं पड़ता? पर मैं जानता था कि ये सब ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जितनी जल्दी यहाँ से जाओगे उतना अच्छा है। शुक्रिया मिस्टर जैगर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मटिल्डा, मेरा सपना सच हो गया। मटिल्डा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है आखिर मिस हैविशम चाहती हैं कि मैं और स्टेला एक हो जाएं। मटिल्डा, मैं जा रहा हूं। जा रहे हो? हाँ, उसे मौका मिला है कि वो जो बनना चाहता है वो बने। इसका मतलब है उसे हर तरह के फैसले करने की आजादी है। स्टेला की तरह? तुम्हें स्टेला खास पसंद नहीं है ना? बड़ी जालिम जो है। सब ठीक है, ठीक है, फिक्र मत करो। डोलोरेस, लेकर आए हो? क्या तुम शैतान को मानती हो मटिल्डा? मिस्टर वॉट्स कहते हैं कि शैतान सिर्फ एक प्रतीक है, कोई जिंदा चीज नहीं। पिप भी तो ऐसा ही है। पर हम शैतान की आवाज नहीं सुन सकते, पिप की सुन सकते हैं। बहुत हो गया, अब
तुम दोबारा कभी स्कूल नहीं जाओगी। क्यों? ताकि मैं आपकी तरह बेवकूफ रहूं? आपकी वजह से हम पिताजी के साथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं। ऊपर वाला कहता है कि हमें अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बरसात है जो धूल उड़ाती जमीन पर बरसती है, हमारे कठोर दिलों पर बरसती है। रोने के बाद मुझे पहले से ज्यादा अच्छा लगा। बुरा लगा कि मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार नहीं था, मैं बेहतर बना। हम फिर बदले, बदलते गए, फिर इतनी देर हो गई, इतने दूर आ गए कि लौटना नामुमकिन हो गया। मैं चलता रहा और कोहरा चुपचाप छंटने लगा था और दुनिया मेरे सामने फैली हुई थी। मेरी बेटी, मेरी प्यारी मटिल्डा, उसे शैतान पर विश्वास नहीं है, उसे पिप पर विश्वास है। देखिए मिसेस नाइमो, अगर मैं कहूं कि दरअसल पिप और शैतान दोनों का ही एक दर्जा है, दोनों अकेले ही आगे बढ़ते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी गलतियां करने का मौका है। और अपने परिवार को अकेला छोड़ने का? पिप को कैसे पता चलेगा कि उसने गलती की भी है? अगर कोई ईश्वर नहीं, कोई शैतान नहीं, तो सही गलत में अंतर कैसे पता चलेगा? मिस्टर वॉट्स को लगता है कि वो सब कुछ जान सकते हैं, पर हम बाकी लोगों के लिए, और हम में तुम भी शामिल हो मटिल्डा, इसलिए अपने अंदर धार्मिक किताब की सीख को संभालो और तभी तुम बच्चे बचा सकते हो इस पपाई को, क्योंकि मैं तो नहीं बचाने वाली। शुक्रिया मिसेस नाइमो, अच्छाई और बुराई के बीच के रिश्ते को इतनी खूबसूरती से समझाने के लिए। एक बार फिर आपने हमें सोचने के लिए मजबूर किया है। पिप की कब्र प्रशांत महासागर में। पिप, हाँ क्यों नहीं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पिप की सारी कहानी तो नहीं बताती, और अंत में हाँ सही बात है, इसका भी वक्त आएगा। मिस्टर वॉट्स, मिस नाइमो, लंदन में पिप अलग है। मैं समझ नहीं पाई कि वो हर्बर्ट पॉकेट को उसे हैंडल क्यों कहने देता है। पिप एक परदेसी के जैसा है, समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाता हुआ, और नाम बदलना तो कपड़े बदलने जैसा होता है। कभी कभी हम सबको बदलाव चाहिए होता है, अपने खुद की मदद के लिए। उसने जो को बेसहारा छोड़ा। हाँ छोड़ा। एक मुकम्मल अच्छा इंसान होना आसान नहीं है मटिल्डा। रुको, मैं करती हूं। मटिल्डा, कपड़े पहन लो। चलो 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 चलो, जल्दी करो, नीचे 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 नीचे। जाओ 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 जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो लाइन में खड़े हो जाओ।
जल्दी बढ़ो, चलो। लाइन में खड़े हो जाओ। भागने की कोशिश मत करना और कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। उन्हें संभालो, वहां पर। सीधे लाइन में आओ, लाइन में। चुप हो जाओ, शोर मत करो। देखो, हम कोई नुकसान नहीं चाहते, हमें बस तुम्हारे नाम चाहिए सुरक्षा की वजह से। तुम नाम बोलो। मारिया। तुम्हारा नाम बोलो। डोलोरिस। DOLORES। और तुम्हारा? मटिल्डा। मैं देख रहा हूं गांव में जवान आदमी कोई नहीं है, लड़कियां बहुत हैं। मेबल। पर जवान लड़के नहीं, ऐसा क्यों है? हमने समुद्र किनारे एक निशानी देखी, ये PIP क्या है? जवाब दो, क्या है PIP? हाथ नीचे। पिप, मिस्टर पिप। मिस्टर पिप, क्या उसका नाम सूची में है? पिप मिस्टर डिकन्स का है जनाब। ये मिस्टर डिकन्स कौन है? जल्दी जाओ, मिस्टर डिकन्स को लेकर आओ। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। कहां ले जा रहा हूं? हमें जानते भी हो? लगता यही वो शख्स है। तुम हो मिस्टर डिकिन्स? हाँ मैं ही हूं। तो पिप कहाँ है? जनाब पिप, पिप एक रचना है, किताब का एक किरदार है। आपको गलतफहमी हुई है, आप इजाजत दें तो मैं आपको किताब दिखा सकता हूं। पिप किरदार है और किताब है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी। मटिल्डा, क्या वो किताब ला दोगी? मेरी मेज पर पड़ी है। कोई किताब नहीं है? किताब है, बस मिल नहीं रही है। झूठ नहीं बोलना मुझसे। जनाब मैं सच कह रहा हूं। नहीं ना, तुम कहते हो एक किताब है, ठीक है, या तो किताब लाओ या मिस्टर पिप को ढूंढो। कौन है पिप? हमें सीधी तरह बता दो, बताओ पिप कौन है? सब कुछ यहाँ जमा कर दो, पूरा घर खाली कर दो। चलो चलो, जल्दी 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 करो, जल्दी चलो।
पीछे हटो। बागियों का साथ देने वालों का क्या हश्र होता है जानते हो ना? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, इस पिप को मेरे हवाले करो वरना सबको जला दूंगा। सुनिए जनाब, जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं वो काल्पनिक है, किताब का एक किरदार है बस। नहीं, तुम तभी बोलोगे जब मैं कुछ पूछूं। मुझे तुम्हारे झूठ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत बेवकूफ हो तुम, अपने झूठ से तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगली बार जब मैं यहां आऊं तो उम्मीद करता हूं कि उस पिप को मेरे हवाले कर दोगे। मुझे माफ कर दो। मैं जो कह रही हूँ वही सही है।
मुझे लगता है उन्हें उस मनहूस ठेले को जला देना चाहिए था, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। क्या हो रहा है? तुम यहीं रहना। शांत हो जाओ। एस्टेला, अच्छी तरह समझ लो। मैं जानती हूं आपने अपनी सारी किताबें खो दी। मैंने कुछ लिखा है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। यह तो अच्छी बात है मटिल्डा। क्या मैं इसे यहीं छोड़ दूं? मेरी जैकेट की जेब में रख दो। शुक्रिया।
उठो, एक बुरी खबर है। हे हमारे पिता, जन्नत में रहने वाले, मिस्टर वॉट्स, आपकी ग्रेस हम सभी लड़कियों में सबसे होशियार थी। हम सब एक साथ स्कूल जाते थे। शुक्रिया डोलोरेस। ग्रेस जर्मन बोल लेती थी और पानी के अंदर बाकी सबसे ज्यादा देर तक सांस रोक लेती थी। मैं उसकी माँ को जानता था, वो भी काफी खूबसूरत थी। और याद है जिस दिन उसका दांत टूटा था, वो डोंगी में लेटकर मछलियाँ देख रही थी। समंदर की एक लहर आई, डोंगी को दे मारा उसके मुंह पर। जब उसे उसके पहले जूते मिले तो कितना गर्व हुआ था उसे। सब जगह हाथ में लेकर चलती थी उन्हें, क्योंकि वो उन्हें मैला नहीं होने देना चाहती थी। आप ही कुछ कहें। ग्रेस लंदन के एक खूबसूरत बड़े मकान में रहती थी। घर के एक हिस्से में वो रहती थी और एक में मैं। पर ग्रेस को नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैंने किसी का इतना गहरा रंग नहीं देखा था और दांत इतने सफेद। और वो आती थी हर शाम चाय पीने के लिए और मेरे सामने बैठती थी। और फिर एक शाम वो अपनी कुर्सी लेकर मेरे करीब आ गई और मेरा हाथ अपनी गोद में रख लिया। मेरी प्रिय ग्रेस ने मुझे बहुत बहुत खुशियां दी और सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मुझे एक बच्चा दिया, एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम हमने रखा सैरा। हम बस उसे देखते ही रहते। घर के बीच में एक कमरा था, दोनों के कमरों के बीच, सैरा के लिए। और हमने उस कमरे को अपने एहसास, अपनी यादों, अपने इतिहास से भर दिया, जिसे हम दोनों बारी बारी दीवारों पर लिखते थे। और ग्रेस ने सैरा का पिछला सारा वंश ढूंढ निकाला, बिल्कुल शुरू से हमारी सैरा तक। क्या मैं थी उस दीवार पर? हाँ, आप थी, मुझे यकीन है। सैरा को मेनिनजाइटिस हो गया था अपने पहले जन्मदिन से पहले। ग्रेस, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। हिलना बोलना सब बंद। मैंने कोशिश की, काफी घर बदले, देश बदले, पर आखिर में मुझे लगा कि बेहतर होगा अगर ग्रेस अपनी एक नई पहचान बनाए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं कि
कि शीबा की रानी कौन थी। ये बाइबल में है, शीबा की रानी एक ज्ञानी काली औरत थी जो देखना चाहती थी कि वो सोलोमन के पौराणिक ज्ञान की बराबरी कर सकती है या नहीं। और वो उसके साथ एक हो गई। उसके दिल में जो कुछ भी था उसने कुछ भी नहीं छुपाया। पिछले कुछ समय से हम सब ने बहुत कुछ खोया है और जो खोया है मेरे ख्याल से हमें उनसे खुद को समझाना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में जो हम कभी नहीं खो सकते, हमारे दिमाग, हमारी कल्पनाएं। हमारी कल्पनाएं कहाँ है? वहां और यहां। ठीक है, कुछ अलग करते हैं। अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आप इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ तुम सुन सको अपने अपने नाम बोलो। बस अपने आप से कहो, तुम सब। मटिल्डा नाइमो, मटिल्डा नाइमो, मटिल्डा नाइमो, मटिल्डा नाइमो, मटिल्डा नाइमो, मटिल्डा नाइमो, मटिल्डा नाइमो। किसी ने भी कभी भी इस दुनिया के इतिहास में किसी ने भी तुम्हारी आवाज में तुम्हारा नाम कभी नहीं कहा है। मटिल्डा नाइमो, ये तुम्हारा अपना है। मटिल्डा नाइमो, मटिल्डा नाइमो, और कोई भी तुमसे इसे छीन नहीं सकता। जब 1890 में मिस्टर डिकन्स लिखने बैठे और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले पिप की आवाज के लिए एक जगह तैयार की और मेरी दोस्त मटिल्डा ने भी वही किया है जब उसने पिप की कहानी लिखने शुरू की और उसने हमें एक खास काम दिया है, एक पावन काम। हमें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की कहानी फिर से तैयार करनी है। तो मेरे साथ कौन है? हाँ, क्रिस्टोफर। पिप एक शरीफ आदमी बनना चाहता था। हाँ, चाहता था। क्या कोई भी शरीफ बन सकता है? हाँ, बन सकता है। गरीब इंसान भी? बिल्कुल, गरीब इंसान भी शरीफ बन सकता है। एक शरीफ आदमी, शरीफ वो होता है जो कभी भी तहजीब नहीं भूलता, माहौल चाहे जैसा भी हो, हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, पैसे और सामाजिक दर्जे से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा सही काम करने की कोशिश करता है। कहाँ थे अब तक? स्कूल और कहाँ? क्या उसी बेवकूफ पोपाई के पास? माँ, आप ही ने मिस्टर वॉट्स को आने के लिए मनाया है ना? ये तोहफा पिप को उसके घर की सुरक्षा से बाहर निकालकर एक अनजान शहर ले जाएगा, एक बड़े शहर। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ हमारा छोटा सा गांव है और पिप के जमाने में
लंदन ये वाला बड़ा सा शहर है। हमारी जगह को नई छत मिल गई। माफ करना, जरा अकेला छोड़ोगे हाबर्ट? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है, मिस हैविशन से मिलने जाना है मुझे। मैं भी चलती हूँ। नहीं, ये छोटी वाली मिस हैविशन है, एस्टेला। खैर, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। कौन थी वो हैंडल? कोई भी नहीं, उसका नाम पिप है। क्या तुमने ये नाम भी छोड़ दिया जैसे जो और दूसरों को छोड़ा? और तुम बड़ी महान हो। माफ करना, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि शरीफों से क्या उम्मीद की जाती है। अंदाजा है, पर यहाँ शरीफ कोई नहीं है। क्या तुम अपनी परछाई के साथ नहीं खेल सकते? मटिल्डा, यहाँ छिप छिपा कर क्या कर रही हो? वही जो स्टेला पिप से कहती है, क्या तुम अपनी परछाई के साथ नहीं खेल सकते? हाँ, बहुत अच्छे। क्या तुम इसे लिखना चाहोगी? क्या मिसेस वॉट्स ने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ी? ग्रेस ने? अफसोस नहीं, उसने कोशिश की पर आखिर में कहा कि वो आखिर तक तभी पढ़ेगी अगर मैं होली बाइबल आखिर तक पढ़ूं, और बस बात खत्म। हम किसी किताब को पढ़ने का दिखावा नहीं कर सकते। आंखें हमेशा सच बता ही देती हैं, आंखें भी और सांसें भी। कभी घर को आग भी लग जाए, फिर भी किताब में डूबे शख्स का उधर ध्यान ही नहीं जाएगा जब तक आग की लपट बिल्कुल करीब ही ना पहुंच जाए। और मेरे लिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वैसी ही किताब थी। उसने मुझे इजाजत दी अपनी जिंदगी को और खुद को बदलने की। मटिल्डा, सुनो, एक नाव है, पूर्णिमा की अगली रात को निकलेगी। गिलबर्ट के पिताजी हमें उस तक पहुंचा सकते हैं। समंदर में कुछ घंटे की यात्रा के बाद हम सोलोमन द्वीप पहुंच जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया? सोलोमन से आगे तुम पर है। और तुम्हारी मां पर भी। किसी भी हाल में इस बारे में किसी से नहीं कहना, डोलोरेस से भी नहीं, जब तक मैं ना कहूं। समझ गई ना? चलो जल्दी जल्दी।
चलो चलो हटो। पीछे हटो पीछे हटो। हमें दवाइयां चाहिए। हमारे पास जो दवाइयां थी तुमने जला दी। पिछली बार जब हम आए थे तुम एक पिप नाम के आदमी को छिपा रहे थे, क्या तुमने उसे मेरे हवाले करने का फैसला किया? पता था नहीं किया। चलो चलते रहो। मैं एक बार फिर तुम्हारा नाम पूछता हूं। मेरे पिता के परिवार का नाम था फिलिप और मेरा नाम है फिलिप, लेकिन जब मैं बच्चा था तो अपनी तोतली जबान में खुद को कहता था पिप, तो मेरा नाम पड़ गया पिप और हर कोई मुझे यही बुलाने लगा। मैं और झूठ नहीं सुनना चाहता। चलो चलो उठाओ इसे। पीछे हटो पीछे हटो। चलो पीछे हटो। कोई आगे आने की कोशिश मत करना। पीछे हटो जल्दी जल्दी। यहां देखो किसने देखा ये? नहीं डैनियल, मैंने देखा जनाब। जनाब इसे समझ नहीं है। ये नहीं जानता ये क्या कह रहा है। नहीं इसे मत ले जाइए, छोड़ दीजिए इसे। नहीं डैनियल, नहीं। तुम भी जाना चाहोगे उसके साथ? जी जनाब। उठो उठो उठो, चलो चलो उठो। आ
अब एक बार और पूछता हूं, उस गोरे आदमी को किसने मरते देखा? किसने देखा? मैंने देखा। आपके आदमियों ने उस गोरे आदमी के टुकड़े करके सुअरों को खिला दिए। वो एक अच्छे आदमी थे, यहां मैं ईश्वर की गवाह हूं। मैं ईश्वर की गवाह हूं। जनाब, मैं ईश्वर की गवाह रहूंगी। ले जाओ उसे। चल, ऐसे आंखें क्या दिखा रही है? चल चल, तुम दूर रहो। ईश्वर की गवाह है। तुम, इस औरत से कोई रिश्ता है तुम्हारा? वो मेरी माँ है। चल लड़की, चल चल, सीधी चल। कोई और है यहां जिसे कुछ कहना है? चल चुपचाप चल चल। मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं, मटिल्डा। कौन है वो? ये इसकी बेटी है मटिल्डा, मेरी बच्ची। ओ, तुम तो जवान भी हो और खूबसूरत भी। नहीं, उसे जाने दो प्लीज। रुको, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। प्लीज रहम कीजिए जना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, रहम कीजिए, वो बच्ची है। अब हाथ जोड़ रही है किस लिए? हा? तेरी बेटी को जाने दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ले लो। मेरे आदमी तुझे गंदा कर चुके हैं, मेरे लिए तेरे पास कुछ नहीं। मेरी जान ले लो। सुना तुमने, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए अपनी जान देना चाहती है, क्या ख्याल है? मटिल्डा, कुछ भी मत कहना तुम। नहीं, मैं सुनना चाहता हूं। अपनी मां को कुछ कहना चाहोगी? ठीक है, चल खड़ी हो जा, चल चल चलो स्टाफ। नहीं, तुम यहीं रहो, घूम जाओ।
मैंने देखा कुछ, वही है, वही है। पकड़ो इसे। हाँ, अब रुको। हमें जाना होगा मैटिल्डा। चलते रहो, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, चलते रहो। मुंह खोलो। मैटिल्डा, अच्छा नाम है, कहां से मिला ये नाम? लो, घर आ गया। तुम्हें कुछ खाना है? मैंने तुम्हारे हर उस बर्थडे के लिए केक खरीदे जब हम साथ नहीं थे। मेरे दिमाग में तुम अब तक छोटी बच्ची ही थी। अच्छा है, ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो। तुम ठीक हो ना? आई लव यू। आज हमारे बीच एक नई स्टूडेंट है। स्वागत है मैटिल्डा। मैटिल्डा आई है। मैं होनियारा से आई हूँ, जो सोलोमन द्वीप में है। ओ, अच्छा, इस फॉर्म में मेरी माँ नहीं आ पाई, इसीलिए मैं अपने पिताजी का ख्याल रखने आ गई। ओके, ठीक है। तो सब अपनी मैथ की किताब का पेज 348 खोलें। हमने कल जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो कल हम अलजेब्रा के इक्वेशंस बना रहे थे और आज हम इक्वेशंस का ही इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
इसका पहला एग्जाम्पल है पेज के ऊपर ही। अगर हम एक संख्या सोचें और उसे 7 से गुणा करें तो उसका जवाब वही मिलता है जो कि उस संख्या को 4 से गुणा करने पर मिलता है, फिर उसमें 15 जोड़ दे। तो अगर हम ये कहने के लिए एक इक्वेशन लिखें, तो नीचे देखो 7 स्कूल तो खत्म होने देते। वो सिडनी से आए हैं तुमसे मिलने, एक वकील हैं। तो आखिर बात क्या है? आपको खबर है बोगेनविल पर से रोक हटाने के बाद क्या हालत है वहां पे? आप गए थे वहां? आप आखिरी बार कब थे वहां? 10 साल हो गए। शायद आपको मिस्टर थॉमस वॉट्स याद होंगे। वो मेरे टीचर थे बोगेनविल में। वहां के संघर्ष में मिस्टर वॉट्स की मौत हो गई है, आपको पता था क्या? ऐसा है कि उन्होंने एक वसीयत छोड़ी है जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी जायदाद का काफी काफी बड़ा हिस्सा आपके नाम किया है। आपके हिस्से में उनका घर है, आधा घर मतलब फ्लैट है, जिसका दूसरा आधा उनकी पत्नी को जाता है। उनकी पत्नी तो मर चुकी है। नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जून वॉट्स अभी भी जीवित हैं। और ये फ्लैट है कहां? ग्रेज एंड, लंदन में। मिसेस वॉट्स, मुझे लगा तुम ऑस्ट्रेलिया से हो। वहीं से हूं। अंदर जाओ, तुम्हारा ही है। मैं चाय बना कर लाती हूं। Thank you.
मेरे यहाँ ज्यादा मेहमान नहीं आते, तो मैं बाहर जाकर खास स्ट्रॉबेरी क्रीम लेकर आई हूँ। शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप मुझसे मिलने को राजी हुई। आपके पति का काफी प्रभाव है मुझ पे। टॉम का प्रभाव? वो मेरे टीचर थे बहुत समय पहले बोगनविल में। फिर तो तुम उसे जानती थी, वो दूसरी औरत। मैंने एक कमजोर आदमी से शादी की मैटिल्डा। शायद सुनने में बुरा लगे पर ये सच है। टॉम में जरा भी हिम्मत नहीं थी। जिस तरह से उसने मुझे छोड़ा वो बहुत गलत था। माफ कीजिएगा मिसेस वॉट्स, मुझे सबके बारे में पता नहीं था। अब तो बात पुरानी हो चुकी है। उस वक्त हम जवान थे, उन दिनों सभी जवान थे। तुम शायद जानती होगी टॉम थिएटर में काम करता था। वहां पर वो शीबा की रानी बनती थी। टॉम की सोच अजीब और गरीब थी। डायरेक्टर था, कहता था वो सबसे अव्वल है, और ये थी शीबा की रानी। मैं ग्रेस के बारे में नहीं सोचती, ज्यादा नहीं सोचा उसके बारे में। वो हमेशा हंसती थी। लगता था पड़ोस में कोई हमेशा पिए हुए रहता है। उसकी जिंदगी में टॉम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कैसा था वो जब तुमने उसे आखिरी बार देखा था। वो शरीफ थे, वो हमेशा ही शरीफ रहे मिसेस वॉट्स। मैं ये फ्लैट नहीं लेने वाली, ये मेरा नहीं है, आप ही का है। आपका शुक्रिया मिसेस वॉट्स, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, शुक्रिया, आपने वैसे ही बहुत कुछ दे दिया है। अगर चाहिए हो तो रख लो, पर ये तो आपकी है, कभी पढ़ी नहीं। टॉम भी तुम्हें देना चाहता। हाँ तो कैसे आना हुआ आपका डिकेंस म्यूजियम में? कहानी लंबी है। क्या आप मिस्टर डिकेंस से मिली?
मैं मिस्टर डिकिन्स से मिल चुका हूं और ये वो नहीं है जिस डिकिन्स को मैं जानता हूं। वो भी कहानियां कहते थे पर वो सफेद सूट और मस्खरों वाली एक लाल नाक पहनते थे और नीले पानी से सीपियां इकट्ठा करते थे। पेप, ऊपर वाला कहता है कि हमें अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बरसात है जो धूल उड़ाती जमीन पर बरसती है, हमारे कठोर दिलों पर बरसती है। रोने के बाद मुझे पहले से ज्यादा अच्छा लगा। बुरा लगा कि मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार नहीं था। मैं बेहतर बना। हम फिर बदले, बदलते गए, फिर इतनी देर हो गई, इतने दूर आ गए कि लौटना नामुमकिन हो गया। मैं चलता रहा और कोहरा चुपचाप छंटने लगा था और एक नई रोशन दुनिया अब मेरे सामने थी। केकड़ों का ज्ञान? हाँ, मेरी माँ कहती थी जब केकड़ा सीधे नीचे गड्ढा बनाए और गड्ढे को बंद करके किरणों जैसे निशान छोड़े तो समझ लो हवा और बारिश आने वाली है। कौन है तुम्हारी माँ? कभी कभी याद आती है उनकी। कभी कभी मैं समंदर के तट को देखती हूँ। वहाँ तुम्हारे पिताजी होते हैं मटिल्डा, और वो मेरी तरफ आ रहे होते हैं। और मेरी तरफ? तुम्हारी तरफ भी। तुम्हारे पिताजी हम दोनों की तरफ आते हैं। मेरी माँ का नाम डोलोरेस मैरी नाइमो है। मेरे पिताजी का नाम जोसेफ फ्रांसिस नाइमो है। मेरे पिताजी ने ऑस्ट्रेलियंस के साथ काम किया जिन्होंने उन्हें मटिल्डा नाम दिया। पिताजी ने वो नाम मुझे देने के लिए मेरी माँ को दिया तो माँ ने मुझे मटिल्डा कह के बुलाया और मैं मटिल्डा कहलाने लगी। Mae, mae, don tale pumanco, enco, a un tale pumando, un cante, un cante, besida pemando, un cante, un cante, moruda pemando, veria. Shoulders.
You wait to fall as if you knew above the clouds there's only blue, and far beyond you come back down to join your shadow on the ground. And we are made to reveal everything we feel as we go rising and falling. We go rising and falling with a feeling deep inside. She drew a line in the sand, the darkness lifted from the land. The ship sails on the morning sea, an eagle flying over.